असलियत न्यूज की रिपोर्ट ज्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की शुक्रवार को घोषणा कर दी गई। 2017 के लिए घोषित पुरस्कार में बॉलीवुड की फिल्मों में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए दिवंगत अभिनेता विनोद खन्ना को दादा साहब फाल्के सम्मान दिया गया है। वे हिंदी सिनेमा के सर्वाइट सम्मान दादा साहब फाल्के से नवाजे गए 49वें शख्स हैं। बता दें कि एक्टर बनने से पहले विनोद ओशो के आश्रम में मालिका करते थे। वहीं उनकी वाइफ कविता ने विदेश से LLB करने के बाद हाईकोर्ट में प्रैक्टिस की थी। फिल्मों में वापसी के 10 साल बाद उन्होंने पॉलिटिक्स में एंट्री ली थी। BJP के टिकट पर सांसद बनने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें मंत्री भी बनाया था। सन्यासी बनने का फैसला किया था। पुणे के ओशो आश्रम में उन्हें 31 दिसंबर 1975 को दीक्षा दिलाई गई। 70 के दशक में खन्ना ओशो से इस कदर इंस्पायर हुए कि उनकी पर्सनल लाइफ ही बदल गई। विनोद हर वीकेंड पुणे में ओशो के आश्रम जाते थे। यहां तक कि उन्होंने अपने कई शूटिंग शेड्यूल भी पुणे में ही रखवाए। शूटिंग के लिए भी वे कुर्ता और माला पहनकर पहुंचने लगे थे। धीरे धीरे वे प्रोड्यूसर्स को साइनिंग अमाउंट लौटाने लगे। ओशो से जुड़ने के बाद उन्होंने कई जोड़ी सूट, कपड़े, जूते और दूसरे लग्जरी सामान लोगों में बांट दिए थे। वे पहले गेरुआ, फिर आश्रम का मरून चोगा पहनने लगे। दिसंबर 1975 में विनोद ने फिल्मों से अचानक ब्रेक ले लिया और सन्यासी बनने का फैसला किया। ओशो US के ओरेगन शिफ्ट हो गए थे। विनोद भी वहीं चले गए। 1982 के बाद ओशो के साथ उनके रजनीशपुरम आश्रम में खन्ना ने करीब 5 साल गुजारे। एक इंटरव्यू में खुद खन्ना ने यह बात मानी थी।